तो दोस्तों जय हिंद। नया टॉपिक लेकर आ गए हम, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको शॉर्ट में हम KTGB कहते हैं। यस, तो इस टॉपिक को शॉर्ट में KTG कहते हैं। जैसा कि मैंने बोला, काइनेटिक मतलब, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब गैसेस मोशन में होगा। सभी टॉपिक में गैस मोशन में था, उसकी स्टडी की थी। यहाँ पे हम काइनेटिक थ्योरी मतलब उसकी वेलोसिटी की, पोटेंशियल एनर्जी की, प्रेशर की हम बात करेंगे। किसी कंटेनर के अंदर गैस होगी, थर्मोडायनेमिक्स में भी यही देखा था, कंटेनर के अंदर गैस है। तो देखेंगे रियल गैस का मीनिंग क्या है, आइडियल गैस का मीनिंग क्या है, ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर के ऊपर कितना प्रेशर लगाएंगे, और ढेर सारी हम बातें करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर देते हैं। सो एक स्मॉल हेडिंग इंट्रोडक्शन टाइप, देखते हैं कि इस टॉपिक का डीलिंग कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा देता हूँ भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं गैस। ठीक है, गैस का थोड़ा सा एनालिसिस अगर किया जाए तो गैस क्या करता है, इट इज़ नथिंग बट, किसी कंटेनर के अंदर रखेंगे या कहीं पे रूम के अंदर जो भी गैस होगी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स इन रैंडम मोशन। ऐसा हम गैस के बारे में कह सकते हैं कि गैस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स, घूमते रहते हैं, फ्री है, उनको कोई क्लास नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस घूमते रहते हैं इधर से उधर रैंडम मोशन में, जब जहाँ जहाँ चाहे, जैसे चाहे मर्जी आए घूमते रहते हैं। ठीक है, फिर KTG क्या है, KTG मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। तो हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं KTG। यहाँ पे हम करेंगे एनालिसिस मतलब स्टडी, एनालिसिस का मतलब है उसको झांक के देखेंगे क्या है, कौन सी सब्जी पक रही है आज, स्मेल कैसी है उसकी, टेस्ट कैसी है, लाइक दैट KTG की सब्जी देखेंगे क्या है। इट इज नथिंग बट एनालिसिस एंड बिहेवियर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स एनालिसिस एंड बिहेवियर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टडीड अंडर KTG। ठीक है, अभी थोड़ी दिक्कत यहाँ पे बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, अभी हमारे पास ना दो प्रकार के गैस होते हैं। ठीक है, वो नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो सब तो होंगे उसके अंदर, लेकिन एक ब्रॉड कैटेगरी होगी आइडियल गैस। हमें बिहेवियर देखना है ना गैस का, क्या बिहेव करता है अंदर, कोलिजन होता है तो इलास्टिक कोलिजन है क्या, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कंटेनर के अंदर, मॉलिक्यूल दिखने में कैसे है, ट्रायंगुलर शेप के है, रेक्टेंगुलर शेप के है, स्पीरिकल शेप के, या क्या है, रैंडम शेप है इसका। तो पहले तो हम देखते हैं कि गैस को हम दो प्रकार में थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, एक है आइडियल गैस और एक है रियल गैस। ठीक है, मतलब ऑन पेपर गैस कैसे दिखता है और रियलिटी में गैस का बिहेवियर कैसे दिखता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हम डिफाइन और टारगेट करेंगे आइडियल गैस को। आइडियल गैस को समझते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम आइडियल गैस की ही स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल इसी के ही सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ अजम्पशंस होंगे, उसको हम पोस्टुलेट कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे और उसको कंपेयर करेंगे कि रियल गैस आइडियल गैस से कैसे डेविएट होता है, इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं, आई विल ट्राई टू पुट यूनिफॉर्म कलर थ्रू आउट, सो आई विल यूज पिंक कलर फॉर द हेडिंग। पोस्टुलेट्स, आवाज कट रही है तो मैं अभी पोस्टुलेट पढ़ने जा रहे हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पोस्टुलेट का मतलब है कि अजम्पशन, किसके अजम्पशन, हमारे पास एक आइडियल गैस गिवन होगी, उसके अजम्पशन हम देखेंगे कि या कोई गैस को आइडियल गैस किस कब कहेंगे, क्या अजम्पशन लेके कहेंगे, अजम्पशन क्यों कंफर्म नहीं होती है क्या, नहीं, आइडियल गैस एक थेरोटिकल गैस होता है, प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं होता है, ये सब चीज़ें प्रूव करना मुमकिन नहीं होगा प्रैक्टिकली। अजम्पशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली क्यों नहीं होगी आइडियल गैस। पहले
पहला assumption है कोई गैस आइडियल गैस है, तो पहला assumption क्या है, साइज ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। एक कंटेनर के अंदर ये गैस की साइज है ना वो काफ़ी छोटी होनी चाहिए, एक्चुअल में साइज काफ़ी बड़ी हो सकती है मॉलिक्यूल की। ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर कोई पत्थर डाल दो अपन, तो पत्थर कुछ अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वैसे कोई गैस अपना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन आइडियल गैस ऐसा गैस है ये खुद का वॉल्यूम इतना कोई ऑक्यूपाई नहीं करता। तो उससे एक एडवांटेज क्या मिलता है हमें, उससे एक एडवांटेज मिलता है कि जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही हमारे गैस का वॉल्यूम बन जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल। हेंस जो भी क्वेश्चन में हम पुट करेंगे तो जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो ही हमारे गैस का वॉल्यूम होगा। इज इट क्लियर? मेरी आवाज़ ब्रेक तो नहीं हो रही ना बच्चों, क्योंकि मुझे कॉल आया था तो आई थिंक आवाज़ ब्रेक हो रही है, नहीं हो रही ना अभी तक, बीच में हो गई तो मुझे बोल देना बच्चों। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमने लिखा कि इसका कोलिजन है, ये गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल है इनका कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, ऐसा कंसिडर किया है, तो कोलिजन किसके साथ करेगा इलास्टिक, ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा, और मॉलिक्यूल और कंटेनर के बीच में इसका कोलिजन होगा, एक दूसरे से भी टकराएंगे और ये दीवार के साथ भी टकराएंगे। जब टकराएंगे इलास्टिकली टकराएंगे, इलास्टिकली टकराएंगे इसका मतलब क्या है कि कोलिजन होने के पहले और कोलिजन होने के बाद जो स्पीड से चल रहा था वही स्पीड से वो चलेगा। इसका दूसरा मतलब है कि कोई एनर्जी का लॉस यहाँ पे नहीं होगा, एनर्जी विल बी कंजर्व्ड इनसाइड द कंटेनर व्हेन द कोलिजन हैपन्स इलास्टिकली। ठीक है, अभी ये जब कोलाइड करेगा दीवार के साथ, तो दीवार के साथ कोलाइड करेगा तो दीवार के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो कितने एरिया के ऊपर इस गैस ने फोर्स लगाया, तो हम ज़्यादातर प्रेशर के टर्म में बात करना पसंद करते हैं। तो ड्यू टू कॉन्स्टेंट कोलिजन ऑफ अ गैस इस कंटेनर के ऊपर फोर्स लगेगा, तो वी विल से द प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय दिस गैस ऑन द कंटेनर। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस गैस के कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगेगा। थर्ड पोस्टुलेट हमने पढ़ा, ड्यूरिंग द रैंडम मोशन, मतलब इसका मोशन रैंडम होता ही है, गैस मॉलिक्यूल डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, इधर उधर भागेंगे, इनके पास कोई ज़्यादा समय नहीं है एक दूसरे के साथ ये बातचीत करे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे इन अ गुड वे। दे कैन नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच टाइम, बिकॉज दे हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि स्प्रिंग को हम पुश करके रखते हैं तो वो एनर्जी स्टोर करके रखता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नज़दीक आ जाता है, तो इस प्रकार का गैस के अंदर कुछ नहीं हो रहा है तो ये कोई एनर्जी स्टोर करके नहीं रखता क्योंकि एक दूसरे के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं है, इसलिए इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम कहते हैं कि वो ज़ीरो है। तो इनके पास कौन सी एनर्जी होगी, इनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी होगी, सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को मिला के जो एनर्जी होगी वो हमारे गैस की एनर्जी होगी। ठीक है, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमने क्या मेंशन किया, व्हेन द मॉलिक्यूल कोलाइड, जब ये टकराएंगे तो जो टकराने का टाइम होगा, दैट इज़ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज निग्लिजिबल, किसके सामने, कंपेयर टू द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। ऐसा देखो, ये पिक्चर क्लियर कर देगा, दो मॉलिक्यूल है, एक यहाँ से निकला एक यहाँ से निकला, इसके पहले कहीं कोलिजन हुआ होगा, कहीं कोलिजन होगा, हम पिक्चर यहाँ से देख रहे हैं। कोलिजन होने के पहले इसने इतना रास्ता तय किया, बी मॉलिक्यूल ने इतना रास्ता तय किया, तो ये जो टाइम टेकन बिफोर कोलिजन इज मोर, और जब ये कोलाइड करेंगे वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए इनके बीच में कोलिजन होगा। सो कोलिजन का टाइम काफ़ी कम है और कोलिजन होने के पहले का टाइम उससे ज़्यादा है। कोलिजन होने के पहले का टाइम को हमने क्या नाम दिया, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, सो कोलिजन के पहले जो टाइम है उसको नए टर्म से हमने डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, न्यूमेरिकल के वक्त, इसको हम और अच्छे से डील कर लेंगे। फिफ्थ पॉइंट, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। तो ये जो मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर है वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होता है, जिसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है कंटिन्यूसली चेंज होता है बिकॉज ऑफ कोलिजन। ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, टकराने के बाद एक मॉलिक्यूल इधर चला जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल इधर चला जाएगा, और ये कोलाइड करते रहेंगे, और कोलिजन के बाद ये स्ट्रेट लाइन में ही चलेंगे, जिगजैग चलेंगे लेकिन स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, ऐसे वेव फॉर्म में नहीं चलेगा ये मॉलिक्यूल, ऐसा हम मान के चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अजम्पशन में, अगर किसी गैस को आइडियल गैस कहना है तो। सो मॉलिक्यूल ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू कोलिजन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। हम कहेंगे इसका पाथ कैसा होगा, जिगजैग पाथ होगा, कंटिन्यूसली रैंडमली मूव करेगा। ठीक है,
और ये कोलिजन होने के पहले जितना रास्ता ट्रैवल करेगा, द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स बिफोर द कोलिजन, दैट इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। और जितना टाइम ये लेगा उसको क्या नाम दिया था हमने, रिलैक्सेशन टाइम, ये यहाँ पे मेंशन किया था। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज रिलैक्सेशन टाइम, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन वी कैन से इट इज नथिंग बट मीन फ्री पाथ। ठीक है, अगेन न्यूमेरिकल के वक्त और इसके ऊपर क्लैरिटी मिलेगी। सिक्स्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लिजिबल ऑन अ गैस मॉलिक्यूल। अगर कोई आइडियल गैस किसी कंटेनर के अंदर है तो उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लिजिबल मानना है। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो ये गैस मॉलिक्यूल नीचे सेटल हो जाता और उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो जाती, नीचे में ज़्यादा मॉलिक्यूल ऊपर कम। लेकिन आइडियल गैस में ग्रेविटी का प्रभाव कुछ होता नहीं है, तो थ्रू आउट द कंटेनर यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कम है, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। फिर सेवेंथ अजम्पशन या पोस्टुलेट ऑफ आइडियल गैस, कि ये आइडियल गैस है तो ये आइडियल गैस लॉ ओबे करेगा एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल प्रेशर। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये गैस मॉलिक्यूल कितना भी कोल्ड टेम्परेचर हो, कितना भी हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो, कितना भी हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर हो, ये अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ेगा। कि इसके जो सिक्स कैरेक्टर हमने अभी तक डिफाइन किए हैं कि ग्रेविटी का इफेक्ट जीरो होगा, रैंडम मोशन होगा, कोलिजन का टाइम कम होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, ये हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पर, ये हर एक चुनौती पर खरा उतरेगा। और उसका ये इक्वेशन जो है PV इज इक्वल्स टू NRT, ये उसको ओबे करेगा, इसकी सुनेगा ये। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस विच इज एक्सर्टिंग ऑन द कंटेनर ऑफ अ वॉल, V इज द वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम ही हमारे गैस का वॉल्यूम है, क्योंकि हमारे गैस का मॉलिक्यूल का साइज काफ़ी छोटा है, वो साइज ऑक्यूपाई नहीं करता है। सो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही हमारे गैस का वॉल्यूम होगा। मतलब एक लीटर के बिस्लेरी के पानी के अंदर कितने लीटर का, लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम राइट, कितने लीटर का गैस बैठेगा, तो एक लीटर का, अगर वो आइडियल गैस है तो। एन इज अ नंबर ऑफ मोल्स, आर इज अ गैस कॉन्स्टेंट, टी इज अ टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूला होते हैं, उसे समझना जरूरी है। नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास हम लिखते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलार मास, अगेन वी विल डील मोर क्लैरिटी इन न्यूमेरिकल्स। और उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में हम लिखते हैं एन अपॉन एन ए, एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर विच इज अ कॉन्स्टेंट विच इंडिकेट्स वन मोल कंटेन दिस मच अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, 6.023 × 10²। ठीक है अभी, ठीक है बस इसको रिकॉर्डिंग में ले लेते हैं। हम कुछ गैस लॉ पढ़ रहे हैं बच्चों, हमने कुछ लॉज इस्टेब्लिश किए हैं, किस लिए स्टडी और एनालिसिस करनी है, किसकी, गैस की, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। मतलब प्रेशर वैरी करेंगे, वॉल्यूम वैरी करेंगे, टेम्परेचर वैरी करेंगे, तो क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहला लॉ आया बॉयल्स लॉ, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख के हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन लगाएंगे तो वो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रहेगा, पी वी इज इक्वल्स टू NRT, ये इसके तरफ बढ़ता है। बॉयल्स लॉ इज कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स दी आइडियल गैस लॉ। ठीक है, तो इसने बताया कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस प्रकार आता है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। इस ग्राफ का नेचर जो है, जैसे इसको तुम कहते हो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे अगर दोनों की पावर 1 है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, उसको इंडिकेट किया हमने प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के ऊपर। अगर दो स्टेट के बीच में कंपेयर किया जाए तो हम लिखेंगे P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 अगर टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखोगे तो। ठीक है, फिर दूसरा लॉ यहाँ पे आता है, ये तो फर्स्ट गैस लॉ हुआ बॉयल्स लॉ। सेकेंड गैस लॉ इज चार्ल्स एंड गे लूसैक लॉ। ठीक है, क्या कहते हैं ये लॉ, इन अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अगर कॉन्स्टेंट रखेंगे तो हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक नाता मिल रहा है, दैट इज़ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और यू कैन इजीली से वी बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एंड यू मेंशन फॉर टू स्टेट्स
ऑफ ए गैस अगर कंपेयर करना है तो वी वन बाई टी वन इज इक्वल्स टू वी टू बाई टी टू कंपेयर करो अगर दोनों स्टेट्स में प्रेशर कांस्टेंट है। इसका ग्राफ निकालेंगे हम, वी वर्सेस टी का ग्राफ अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे हम ये ग्राफ निकालते हैं, वाई एक्सिस पे वी, एक्स एक्सिस पे टी, तो इनके बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं स्ट्रेट लाइन आएगी बिकॉज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम दो पॉइंट्स मेंशन कर दें, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम अगर वी वन है और हम ऊपर की तरफ इसको वी टू दिखाएंगे तो ये स्टेट का एक्स एक्सिस टेम्परेचर टी वन और अगर वॉल्यूम वी टू है तो उसका टेम्परेचर टी टू दिखाएगा। एक बात यहाँ पे और एक नोट कर देंगे, अगर कोई क्वेश्चन में कभी ऐसा पूछा है कि और एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है, पहले तो ये जो फर्स्ट लाइन थी इसका प्रेशर मान लेते P1 विच इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तभी तो वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ की ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इसका स्लोप V और T का स्लोप हमें क्या देगा, प्रेशर की वैल्यू देगा, राइट। अगर हम कंपेयर करें ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, इस ग्रीन वाले ग्राफ को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ का प्रेशर अगर मैं मान लेता हूँ P2 और मानते हैं कि यहाँ पे भी ये कांस्टेंट प्रेशर पे ही हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे अगर मैं चार ऑप्शन दे दूँ तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। कोई पूछेगा कि अगर इन दोनों लाइन को देखते हुए तुम प्रेशर के बारे में इन तीनों चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन बता सकते हो, क्या P1 बड़ा होगा, क्या P2 बड़ा होगा, क्या दोनों इक्वल प्रेशर होंगे, ये दोनों प्रोसेस के लिए क्या लगता है? सर सी इक्वल रहेंगे सर, ऑप्शन सी बी, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई बता सकता है क्यों, कोई बता सकता है क्या क्यों? इफ यू सी फॉर द स्लोप डिफरेंस, हाँ एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देखना है यहाँ पे, इसका स्लोप कम है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसका स्लोप कम है, तो माइंड में एक थॉट आता है कि जिसका स्लोप कम है उसका प्रेशर कम होगा, वैसे नहीं है, इसको ऐसे डील करना है। यहाँ पे देखो ये सेम पॉइंट पे इसका वॉल्यूम V1 है, वही सेम पॉइंट पे ये जो ग्रीन वाली लाइन है उसका वॉल्यूम कितना होगा, V1 से कम होगा, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर द सेम टेम्परेचर ये जो वाइट वाली लाइन है इसका वॉल्यूम V1 है और ये जो हमारी ग्रीन वाली लाइन है इसका वॉल्यूम V1 से कम है, मतलब ये ज़्यादा कंप्रेस हुई है, एट द सेम टेम्परेचर ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो ज़्यादा कंप्रेस हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये वाला पॉइंट अगर कंपेयर करते इसका वॉल्यूम V2 और इसका वॉल्यूम उसके नीचे, तो वॉल्यूम कम मतलब ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी है ना, सो उसको यहाँ पे हम कहेंगे जिसका स्लोप कम है उसका प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए P2 इज ग्रेटर देन P1, ये याद रखना बात ज़रूरी बात हमने की है। फिर से रिपीट कर दूँ, इफ़ यू कंपेयर द सेम टू पॉइंट्स ऑन P1 एंड P2 लाइन, वाइट लाइन का वॉल्यूम ज़्यादा है हमारे वही टेम्परेचर पे, ये ग्रीन लाइन का वॉल्यूम कम है, मतलब एट द सेम टेम्परेचर T1 ये जो ग्रीन वाली पॉइंट है उसका वॉल्यूम कम है, मतलब वॉल्यूम कम का मतलब वो ज़्यादा कंप्रेस हुई है, तो ज़्यादा कंप्रेस हुई मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए P2 इज ग्रेटर देन P1, उसका स्लोप कम है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हमने देखा अभी चार्ल्स एंड गेलुसैक लॉ के अंदर कैन कॉन्स्टेंट प्रेशर रख के हमने इसका रिलेशन लगाया। थर्ड पॉइंट पे हम डील करते हैं, इफ़ यू सी द थर्ड पॉइंट, हम यहाँ पे अभी जो दो लॉ है उससे आइडियल गैस लॉ को लिखते हैं। आइडियल गैस लॉ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है, बहुत बार पढ़ के वो ऑर्डिनरी सा लगने लगा है हमें, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये दोनों लॉ को कंबाइन करोगे तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हमें मिलेगा। अभी आप हम थोड़ा यूनिट की बात कर लेते हैं, जब न्यूमेरिकल में हम डील करेंगे तो यूनिट विल प्ले अ वाइटल रोल। ठीक है, अगर पी को हम पास्कल में लेते हैं और वी को हम मीटर क्यूब में लेते हैं और टेम्परेचर को अगर केल्विन में हम मेंशन कर देंगे, तब ये जो आर है, आर की वैल्यू हमें लेनी है 8.314 और उसका यूनिट होता है
जूल पर मोल इनटू केल्विन, ठीक है, ये जरूरी बात है। ये एसआई यूनिट मैंने लिखा है, दिस इज द एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट मतलब प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, टेम्परेचर केल्विन में लेना, तब आर की वैल्यू हम 8.314 पुट करेंगे और उसका यूनिट इसको मिला जुला के आ जाता है जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। ऑल राइट, और एक बात, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स किसी कंटेनर के अंदर कांस्टेंट है, मतलब ये चीज़ अगर कांस्टेंट है नंबर ऑफ मोल किसी कंटेनर के अंदर, तो दो कंटेनर को हम कंपेयर कर सकते हैं जिनके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। लेट्स से कि कोई यहाँ पे कंटेनर है, कोई दूसरा कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है। नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर बी, अगर ऐसी सिचुएशन है तो कुछ कंपेयर किया जा सकता है। तो इस आइडियल गैस को अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में लिखेंगे पी वी अपॉन आर टी, अगर कहीं नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर एन कांस्टेंट है तो वी कैन राइट पी वी बाय आर टी, आर भी तो कांस्टेंट होता है ना, तो आर भी उसको भेज देंगे उधर और लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है। n कांस्टेंट है, r तो एक नंबर है वो भी तो एक कांस्टेंट है, तो pv बाई t ही लिखेंगे जो वेरिएबल है, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर इसके लिए कंपेयर किया जाए दो सिचुएशन के लिए, यहाँ पे प्रेशर p1, वॉल्यूम v1, टेम्परेचर t1, और दूसरे स्टेट में प्रेशर p2, वॉल्यूम v2, टेम्परेचर t2, बट दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या सेम है, दोनों में सेम है ये अपना नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे P1 V1 वी वन बाई टी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू बाई टी टू, ये रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ये हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मौका देगा यहाँ से, ठीक है। तो इसके सामने हम लिख लेते हैं, इफ नो लीकेज, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, ऐसे पंक्चर हो गया ये फुस इसकी आवाज चली गई, नंबर ऑफ मोल्स भी निकल जाएंगे क्योंकि पार्टिकल्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो एज अ प्रिकॉशन हम एक पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, इफ नो लीकेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। मतलब इसके बीच में अगर हम पाइप लगा दें, इसकी प्रेशर P1 से P2, वॉल्यूम V1 से V2 और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाए, और इसके ड्यूरिंग the flow of this gas from A to B, अगर कोई लीकेज ना हो तो वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट रहेंगे एंड वी कैन इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन पी वी एंड टी। अगर कोई गैस यहाँ से पंक्चर होकर निकल गई तो दिस विल नो वैलिड और वहाँ से हम ये रिलेशन सही नहीं समझेंगे, ठीक है। एक टर्म होती है एस टी पी, जिसके बारे में तुम लोगों को कुछ आइडिया है क्या, हम कहते हैं एट एस टी पी। एस टी पी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हम कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर रहे हैं बेटा ताकि हम आगे इकट्ठा इन सबको लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ठीक है। तो एस टी पी भी समझ लेते हैं कि एस टी पी क्या होता है, ये न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करेगा बहुत जगह पे, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम मानते हैं टी इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm, ऐसा यूनिट में इसको लिखेंगे 1.013 × 10⁵ pascal, ठीक है। तो कभी कभी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात होगी गैस की, तो टेम्परेचर कितना होगा बाय डिफॉल्ट 273 केल्विन एंड प्रेशर विल बी 1 atm, या 1 atm ऐसा यूनिट में होता है पास्कल। तो ये रिलेशन भी याद रखना, 1 atm इज इक्वल्स टू 1.013 × 10⁵ pascal, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा अगर किसी का टेम्परेचर इतना लिया है, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 mole, तो किसी कंटेनर के अंदर n इज इक्वल्स टू 1 mole है और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमने इसे लिया है, मतलब 1 mole की गैस हमने ली है किसी कंटेनर के अंदर, ये फिक्स कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने कहा कि इसका टेम्परेचर है 273 और प्रेशर इतना है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी से, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी से निकालेंगे, पहले हम इस पेंसिल की बैटरी चार्ज करें।
सो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एस टी पी का वॉल्यूम कितना होता है फॉर वन मोल, ठीक है। तो मुझे वी चाहिए, वी कैन बी रिटन एज एन आर टी बाय पी, एन इज वन दैट इज फॉर वन मोर वी आर कैलकुलेटिंग, आर एस आई यूनिट में वैल्यू पुट करेंगे तो 8.314 आर की वैल्यू पुट करेंगे, टेम्परेचर एस आई में 273 दिस टेम्परेचर, एंड प्रेशर हम ये वाला पुट करेंगे नीचे एस आई में 1.013 इंटू 10 to the power 5, ठीक है। तो वॉल्यूम किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा, रिमेंबर एस आई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, लीटर में नहीं लेना, लीटर में तो फिर वो सी जी एस बन जाएगा, ठीक है, उसका कन्वर्जन भी मैं बता रहा हूँ। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी आर गेटिंग इट इज एज 2240 इंटू 10 to the power -5 मीटर क्यूब। तो इसको लीटर में अगर हम मेंशन करेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं, पहले हम इसकी पावर थोड़ी रिड्यूस कर दें, इसको अगर मैं लिखूंगा 22.4 इंटू फिर ये 10 to the power में -3 मीटर क्यूब लिखूंगा, ठीक है, और इसी को हम कहेंगे दिस इज 22.4 लीटर। सो वॉल्यूम एट एस टी पी कितना लेना है, 22.4 लीटर, ठीक है। तो एक रिलेशन यहाँ पे याद रखो, 1 liter इज इक्वल्स टू 10 to the power -3 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये रिलेशन भी एक हैंडी होगा, इसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। एट एसटीपी हम समझ गए, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर इतना एंड टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम इतना, ठीक है, इसकी हमने यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम आगे इसको बढ़ाएंगे टॉपिक को। थैंक यू सो मच।